पहुंच चुके हैं हम लोग डीएलएफ नुक्कड़ बिहार में और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बिल्डर फ्लोर भाई, जो कि 65 गज में बना हुआ एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। तो चल के आज फ्लैट देख लिया हम लोग सीधा। हमारे साथ अंकित आया जो हमें शूट कर रहा है, ठीक है, जो हमें शूटिंग में हेल्प करेगा। तो भाई आओ सीधा फ्लैट देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा फ्लैट जो आप देख सकते हो, बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। यहाँ पे अभी बने हैं, मुश्किल से 1-1.5 महीना हो गए तो बने हुए। सारे फ्लैट बिक चुके हैं, बस यही वाला खाली है। और लकीली मेरे चैनल पे वीडियो आ चुकी है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है भाई इस फ्लैट को लेने का। तो आओ इस फ्लैट का पहले टूर कर लेते हैं, कैसा हमारा फ्लैट है, कैसा है, क्या है, तो आओ देखते हैं। यहाँ पे आपको एक टीवी पैनल लगा के दिया है पिंक कलर का और नीचे आपके यहाँ स्विचेस दे रखे तो आराम से आपका कनेक्शन आ जाएगा, आपका कोई ऐसा टेंशन नहीं रहेगी। और टीवी के अलावा आपको इसकी दीवारें खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम मूव करेंगे हमारे किचन की तरफ। तो इधर की साइड हमारा घुसने के साथ एक किचन रहेगा जहाँ पे आप आराम से कर्टन डाल के इसे कवर भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो हम बात कर लेते हैं हमारे किचन की, जो की बहुत ही अच्छी स्पेशियस किचन में मिलने वाली है और जो इस फ्लैट की थीम है पिंक और व्हाइट की थीम पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो बात कर लेते भाई ऊपर की साइड में, यहाँ पे आपको सेल्फ दी गई है काफी सारी, ठीक है। खोल के दिखाता हूँ, ऐसे इतने बढ़िया पैनल फिट होते हैं यार, एकदम फिनिशिंग से बनाया हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ये भी आप देख लो ये सारे। और भाई आपको थोड़ा गंदा लग रहा है ये, तो वो एक्चुअली है नहीं गंदा अभी, एक्चुअली इसका काम अभी बिल्कुल मानोगे नहीं, अभी आया हूँ कल ही इसका काम सारा खत्म हुआ है, पेंट वेंट का जो भी है, तो बस अब क्लीनिंग रह गई है इसमें। और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे तब तक यार ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होगा, पर आप आके सीधा इसको देखना, पसंद करना और लेके जाना। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके स्विचेस दिए लाइट वाइट के और ये सब एक्स्ट्रा स्विचेस दिए हैं जिसे आप यहाँ पे चिमनी विमनी का लगा सकते हो, चिमनी का इसमें मिल जाएगा आपको। और भी कुछ आपको प्लान चलाना है मिक्सर विक्सर वो भी यहाँ पे आपको चल जाएगा। तो बात कर लेते हैं सामने की साइड की, यहाँ पे आपको अपना सिंक मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपकी टैप्स लगाई नहीं गई है, टैप का काम अभी बचा हुआ है सारा, बाकी पानी वानी इसमें आ रहा है, अगर मैं इसे निकालूंगा तो पानी वानी सब इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे आपको आरओ के लिए दिया हुआ है जगह, हाँ ये स्विच है आपका एक आरओ के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक जाली वाली लगा रखी है, इसलिए अगर आप चाहो तो इसे बंद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नीचे आपके कैबिनेट्स अच्छी अच्छी यहाँ पे आपको जगह दे रखी है, काफी सारा आपका सामान आ जाएगा और ये पूरा मॉड्यूलर किचन डिजाइन आपका, बड़ी बड़ी ड्रॉर्स हैं यार इसमें, अच्छा खासा सामान आ जाएगा। मैं आपको ये वाले खोल के दिखाता हूँ, तो आप यहाँ भी देख सकते हो ये सारे आपको पैनल लगा के दिए हैं अच्छे से, बिल्कुल परफेक्टली लॉक होते हैं भाई ये, ठीक है। फिनिशिंग भाई गंदगी अवॉइड करना थोड़ी सी, क्योंकि भाई अभी इसमें थोड़ी बहुत फिनिशिंग रह रही है और जब तक आप देखोगे इस वीडियो को तब तक ये भी हो जाएगा सारा। सर ये तो होगी हमारी किचन और यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छी हमारी बढ़िया सी किचन है और मुझे लगता है पहली बार में जो भी इस फ्लोर को देखेगा भाई इसे पसंद आ ही जाएगी।
सर अब बात कर लेते हैं हमारे रूम की, जो हमें दो रूम इसके साथ मिलने वाले हैं। हाँ मैंने आपको बताया था ये 2 BHK बिल्डर फ्लोर है, मतलब उसमें दो रूम है, एक हॉल है, किचन है, ठीक है, साथ में दो टॉयलेट्स आपको मिल जाएंगे और बहुत ही बढ़िया पूरा मतलब फ्लोर है यार, ये बताने की जरूरत नहीं मुझे, पूरा फ्लोर आपको मिलने वाला, अच्छा खासा स्पेस है भाई, स्पेस की कमी नहीं है यहाँ पे। तो हम सीधा रूम की तरफ चलते हैं, तो रूम दिखाता हूँ मैं आपको। ये है आपका रूम इस बिल्डर फ्लोर का, बहुत ही अच्छा स्पेशियस रूम है, वही आपका मास्टर बेडरूम से कह सकते हो। यहाँ पे आपको एक अलमारी मिल जाएगी, आपको पूरा अच्छा ज्यादा कवर्ड है, सही आपको काफी ज्यादा सामान आ जाएगा और बिल्कुल आपके रूम से कॉर्नर में, तो इससे आपको कोई इश्यू भी नहीं होगा, मतलब आप बीच में आप सामान रख लो, स्टोरेज की भी कोई दिक्कत नहीं है। यार बात कर लेते हैं इस दीवार की, तो भाई काफी अच्छी ग्रीन और व्हाइट आप देख सकते हो, बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लैट के कलर से, लेकिन काफी अच्छी लग रही है यहाँ पे ये वॉल, और भाई बहुत ही अच्छे यहाँ पे पैटर्न बने हुए हैं। अगर हम बात करें फॉल सीलिंग की, तो उसे आपको सीलिंग पे बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बनाकर, तो अगर हम बात करें सीलिंग की तरफ, काफी अच्छा डिजाइन यहाँ पे सीलिंग पे आपको देखने को मिल जाएगा। फैन बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा रखा है बाहर है, और यहाँ पे जो लाइट लगा रखी है काफी अच्छी, यहाँ पे सीलिंग में लाइट लगी हुई है, और बहुत अच्छे से यहाँ पूरे रूम में आपको रोशनी देखने को मिल जाएगी। अगर वैसे भी अगर आप नहीं चाहते हो कोई लाइट जलाओ, तो बाहर से भी सनलाइट इतनी अच्छी आती है कि अच्छी खासी लाइट यहाँ पे हो जाएगी। अब एक और खासियत इस रूम की, इसके साथ एक अटैच हमें बाथरूम मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ ये आपके बाथरूम की लाइट सब स्विच होगा, ये आपका बाथरूम है जो अभी कंप्लीट नहीं है, ये आपकी चॉइस के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है, जोन सी आप यहाँ पे सीट लगाना चाहते हैं, वेस्टर्न और इंडियन जोन सी आप सीट लगाना चाहेंगे वो लग जाएगी। और अगर हम बात करें टाइलिंग की, तो काफी अच्छी यहाँ पे आपको टाइलिंग मिल जाएगी, वॉल पे भी बहुत अच्छा डिजाइन है, फ्लोर भी है, एंटी स्लिप वाली टाइल है, यहाँ पे आराम से बिल्कुल पैर वैर नहीं स्लिप होने वाला, सामने एक विंडो है, ठीक है। तो भाई जो दूसरे बाथरूम की तरफ जो आप देख सकते हो वो वाली है, बाकी यहाँ से एयर क्रॉस भी काफी अच्छी हो जाती है, उठन पुटन बिल्कुल नहीं होने वाली है। और कैसा रूम होगा, अगर इस रूम की बात करें तो ये भी आपको बिल्कुल परफेक्ट है, छोटा सा रूम जैसे आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हो, बहुत ही अच्छा रूम है उस हिसाब से, यहाँ पे आपकी बालकनी है, विंडो भी है, अच्छी सनलाइट यहाँ से आती है, फ्रंट का है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके एरिया की, तो भाई 10x10 का ये रूम आपको मिल जाएगा, ठीक है, उससे थोड़ा छोटा है, 1-1 फुट का फर्क है, वैसे कोई ज्यादा इशू नहीं है, और बहुत ही अच्छा रूम है, आराम से आप सिंगल बेड डाल रहे हो, डबल बेड भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो भाई आराम से यहाँ पे आपका सिंगल बेड या डबल बेड आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं अपनी बालकनी की, सर बात करें बालकनी की, काफी अच्छी आपको बालकनी यहाँ देखने को मिलेगी, अच्छा खासा स्पेस है, और यहाँ ग्रिल्स लगा रखी है, SST ग्रिल्स है भाई, ठीक है, तो मतलब बारिश वारिश में जंग वंग नहीं लगने वाला भाई, सालों साल आपकी चलेगी, ठीक है, और काफी अच्छा स्पेस है, अगर आप चाहते हो तो अपनी वॉशिंग मशीन में आप चाहो यहाँ रख सकते हो, नहीं तो आराम से अपनी चेयर वेयर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यार इस, ये तो आप डिजाइन देख रहे हो, तो भाई बेसिकली यहाँ पे आपका जो ऊपर छत से पानी का पाइप आ रहा है रेन वाला, इसमें ड्रेनेज का है, तो भाई ये वो है, और डिजाइन इसका अच्छा लगे इसलिए इसको ऐसा डिजाइन दे रखा है, यहाँ पे भी आपको एक फिटिंग दे रखी है, मतलब यहाँ पे आराम से आप अपना पानी लगा लो, टोटी वोटी लग जाएगी, और इधर बालकनी की एक लाइट आपको दिख जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको मतलब क्या है रात को आप खड़े रहो, और ये आपकी विंडोज है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं दिखने वाला है, ठीक है, बाहर से कोई भी दिखे बिल्कुल ऐसा मिरर जैसा है। और अगर हम अंदर की बात करें, तो अंदर से यार यहाँ पे बिल्कुल आप आराम से देख सकते हो, अच्छी लाइटिंग आ जाती है, और यहाँ पे जो डोर लगा रखे हैं हमने बालकनी में, तो काफी अच्छे आपका डोर है, पूरे ही घर में सेम डिजाइन का डोर है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये फ्लावर वाला पैटर्न, ठीक है। और अभी अगर आपको थोड़ी बहुत गंदगी लग रही है, तो भाई उसका इशू नहीं है, अभी बिल्कुल फिनिशिंग काम चल ही रहा है इसका। तो फ्लैट तो आपने पूरा देख लिया है, ठीक है, एक चीज आपको पता लग गई है, अब बात आती है इसके प्राइस की, क्या प्राइस है, कैसा है, कितने का है, कहाँ पे है, और आपको क्या क्या इसके साथ फैसिलिटीज मिल जाएंगी, तो भाई उसके लिए हम बात करेंगे अभिषेक भाई से, जो हमारे साथ है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे हो अभिषेक भाई, बढ़िया, तो भाई बहुत दिन बाद हम मिले हैं अभिषेक भाई से, काफी टाइम हो गया, चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुई, भाई भी कहीं गए हुए थे बिजी थे, तो आज मिलने का चांस बना, तो भाई हमें बताएंगे क्या क्या हमें साथ में मिलने वाला है इसके, और क्या क्या फैसिलिटी देंगे, कहाँ पे है ये, कितने का प्राइस है, तो सबक सुनते हैं भाई से। ये हमारा पूरा बिल्डर फ्लोर है, पूरा हमने एक ही बनाया हुआ है, एक फ्लोर, आपको इसमें अच्छा साइज मिल जाएगा आपको, और इसमें हम आपको पंखे फोर सीलिंग वगैरह और ये लाइट वगैरह सब लगा के देंगे। और बात आती है इसके प्राइस की, इसका प्राइस जो हमने रखा है वो रखा है 17 लाख रुपए,
17 लाख रुपए बहुत ही मतलब सही प्राइस है, मुझे लगता है इसमें आपको मिल जाएगा 17 लाख में। और मतलब एक 2 BHK भी हम लेते हैं ना तो वो इससे छोटे होते हैं और इससे कॉस्टली होते हैं, जिस लोकेशन पे ये है ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से काफी अच्छी डील है, और बाकी अगर आपको लगता है थोड़े बहुत ज्यादा तो ऑड टेबल सब नेगोशिएबल हो जाता है। हाँ और ये मतलब ये भी कोई कसम नहीं खा रहा कि कम नहीं करने तो नहीं करने, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आओ आराम से बात बात करो ठीक है, भाई से बात करो आराम से, आप जितना आप कम करवाने थोड़ा बहुत हमारा नाम ले देना अगर आप हो जाएगा ठीक है भाई। अगर हम बात करें भाई इसके टोटल एरिया कितना है इसका, 65 दो रूम मिल जाते हैं, एक किचन है, हॉल है, ये और दो टॉयलेट है, 2 BHK और इसमें आपको सबसे बड़ी बात यह भाई अच्छा खासा बड़े बड़े रूम्स हैं यहाँ पे ठीक है, काफी स्टोरेज। अगर आपको स्टोरेज यूनिट भी आपने देखा है कि आपको वो कवर्ड मिल जाएगा वॉल में फिक्स वाला, तो आपको एक्स्ट्रा मतलब प्लानिंग की जरूरत नहीं है, अपना बेड वेड लाओ डालो इधर आपका बिल्कुल सेट है, लाइट पंखे आपको साथ में मिल जाएंगे। एक मिनट में सारी चीजें पूछता हूँ भाई से क्या क्या आपको साथ में मिलने वाला है भाई। इसके साथ आपको लाइट फैन की भी कोई टेंशन नहीं है, सारी आपको लाइट का फैन लग के मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अंधेरे में छोड़ दिया लाके, भाई लाइट फैन लगा के दिया आपको ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी आप वॉल देख ही रहे हैं कितनी सुंदर है, पूरा फ्लैट इतना सुंदर है यार, आओ जस्ट आके आप अपना बोलो सर को क्या उसको लेना है ठीक है, सीधा सर से मिलो। बाकी आप नंबर नंबर सर की कोई टेंशन नहीं, आपको यहाँ मिल जाएगा। तो भाई दिल्ली बागपत हाईवे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस 500 मीटर भाई, ऑलमोस्ट सारी चीज आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। और भाई ये जो है ना दिल्ली बॉर्डर पे अवेलेबल, मतलब दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करोगे जो पहली चीज पड़ेगी ना भाई DLF अंकुर विहार ही पड़ेगा, और यही आपकी लोकेशन है जहाँ पे आपका ये बिल्डर फ्लोर आपको मिल जाएगा ठीक है। तो भाई का नाम अभिषेक है, आप इन्हें कॉल कर सकते हो। तो हमारे मोहित जी के जिनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भाई का भी नंबर है, आप कॉल करो सारी डिटेल्स ले लो जो भी है ठीक है, भाई आपको बता देंगे। कुछ समझ नहीं आता है व्हाट्सअप कर दो, भाई अपने आप आपको रिप्लाई करेंगे कॉल कर देंगे ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको। तो और सबसे बड़ी बात यार यहाँ पे आपको इस लोकेशन का एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि आप मेट्रो सबसे पास में है, बिल्कुल 2.5 किलोमीटर पे आपको शिपयार्ड मेट्रो स्टेशन, और ऑलमोस्ट आपको 2.5 किलोमीटर पे यहाँ पे खजूरी खास जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है ऑलमोस्ट 1 साल में बन के रेडी हो जाएगा वो भी, तो वो आपको मिलने वाला है भाई, सबसे बेस्ट लोकेशन है यार, एकदम से रेट बढ़ेंगे यहाँ के। तो अभी आ गया, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लेना है तो ले लो ठीक है, और अगर आपको रहने ही आना तो आ जाओ यार, बहुत अच्छी लोकेलिटी है यहाँ पे, रोड वोड सब बने हुए हैं, पानी की कोई टेंशन नहीं है, गैस पाइपलाइन डली हुई है और बिजली बिजली का सारा ये करवा के देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, बस आना है और आपको इधर बुक करना है, पेमेंट करना है। और सबसे अच्छी बात भाई यहाँ पे ये है कि अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते ना तो आप भाई लोन करवा लो, आपका 80-90% लोन प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ आपको हो जाएगा, जिसमें आपको 2,67,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, मतलब ये आप फ्लैट मान के चलो आपका सिर्फ 14.5 लाख में आपको यहाँ बिल्डर फ्लोर मिलने वाला है भाई, इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी, लिटरली कहीं नहीं मिलेगी, आप लिख के ले लो ठीक है भाई। तो आओ सीधा यहाँ बुक करो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कोई भी क्वेरी हो भाई कमेंट में पूछ ले आपको बता देंगे, या व्हाट्सएप कर देना भाई को वो भी आपको बता देंगे, आपको खुद कॉल कर देगा यार, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना सा भी काम करने की जरूरत नहीं आपको। तो भाई ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नए फ्लैट के साथ।